सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर BCCI चाहती है कि इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ और इसको मैं 2 वीक्स में एक मुकम्मल ऑलराउंडर बना सकता हूँ। गुरुवार को मैनचेस्टर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार्दिक पांड्या के हरफन मोला खेल से टीम इंडिया को बड़ी मदद मिली है। जी हां, पहले तो बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 38 गेंदों में 46 रन बनाए और इसके बाद कैरिबियाई सलामी बल्लेबाज सुनील एम्ब्रिस ने 31 रन पर विकेट भी चटकाया। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रजाक पांड्या के प्रदर्शन से ज्यादा प्रभावित नहीं है। उन्हें पांड्या के खेल में काफी कमी नजर आई। 39 साल के रजाक का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं, मैं 2 हफ्ते में हार्दिक पांड्या को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बना सकता हूं। उन्होंने पांड्या की कमी निकालते हुए कहा, मैंने भारत और वेस्ट इंडीज का मैच देखा, इस दौरान पहली बार हार्दिक पांड्या को करीब से देखा। बल्लेबाजी करते वक्त उनके फुटवर्क में, बॉडी बैलेंस में बड़ी खामियां नजर आईं। रजाक ने आगे कहा, अगर मैं पांड्या के साथ 2 हफ्ते वर्क करूं, कोचिंग दूं, उनको सिखाने की कोशिश करूं, दुबई में क्रिकेट पर उनके साथ काम करूं, तो मुझे उम्मीद है कि 2 हफ्ते के बाद वह दुनिया के नंबर 1 हिटर बन सकते हैं। साथ ही रजाक ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI से अपील भी की है। उन्होंने कहा, अगर BCCI पांड्या में सुधार लाना चाहता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ और पांड्या को 2 हफ्ते में मुकम्मल ऑलराउंडर बना सकता हूँ। आपको बता दें कि साथ में रजाक ने ट्वीट भी किया है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।